Subscribe Gear Infotech and press the bell icon. Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Fight so hard, my heart is hardly helpless. Find myself so desperate on नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल गियर इन्फोटेक पे। आज की हमारी वीडियो क्रूज बाइक्स के ऊपर होगी, तो आगे हम वीडियो शोकेस करते हैं। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा जावा 42 के बारे में। अगर बात करूं मैं इसके इंजन की, तो इसमें आपको 293 सीसी का इंजन मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल है। अब अगर बात करूं मैं इसकी मैक्स पावर की, तो ये 26.51 पीएस की पावर जनरेट करता है 6200 आरपीएम पे। 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है 4000 आरपीएम पे। तो अब मैं आपसे जावा 42 के ब्रेक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं दोनों ही व्हील्स में, फ्रंट एंड रेयर। अगर बात करूं मैं इसके ट्रांसमिशन की, तो इसका ट्रांसमिशन 6 स्पीड का है। अब अगर बात करूं मैं इसके चासी की, तो इसकी चासी डबल क्रेडल है। इस बाइक की टॉप स्पीड 145 किलोमीटर पर आ रहा है। अगर मैं बात करूं इसके लुक्स एंड स्टाइलिंग के बारे में, इसके लुक्स और स्टाइलिंग बहुत ही ज्यादा मैच्योर लगते हैं। जैसे कि ये हमें पहले से याद दिलाती है कि ये हमारी ओल्डीज, ग्रैंडफादर्स एंड फादर्स के जमाने की बाइक है। एंड दिस गिव्स यू अ वेरी मैच्योर फीलिंग। एंड ये फीलिंग जब आप इसे राइड करते हैं, तो आपको वही पुरानी प्राइड फील होती है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। तो अब मैं आपसे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। इसका इंजन 346 सीसी का है, जो कि 20.7 पीएस की पावर जनरेट करता है 5250 आरपीएम पे एंड 28 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है एट 4000 आरपीएम पे। अब अगर मैं बात करूं इसके ब्रेक्स की, तो इसमें आपको दोनों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स ऑफर हो जाते हैं। अगर बात करूं मैं इसके ट्रांसमिशन की, इसमें आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। अब अगर बात करूं मैं इसके चैसी की, इसमें आपको सिंगल डाउन ट्यूब मिलता है। इस बाइक की टॉप स्पीड 133 किलोमीटर पर आर है। अब अगर बात करूं मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में, तो ये बाइक दिखने में उतनी अपीलिंग नहीं है, बट इसमें जो आपको मस्कुलर टच मिलता है, जिस वजह से ये हमारी यूथ में बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये बाइक अपने आप में ही एक लेजेंडरी बाइक है। ये जब से आई है तब से चल रही है, एंड इसका कॉम्पिटिटर आज तक कोई है ही नहीं।
अब अगर मैं बात करूं होंडा एचनेस CB350 के बारे में, इसमें आपको 348 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 21.7 पीएस की पांच जनरेट करता है 5500 आरपीएम पे एंड 30 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है 3000 आरपीएम पे। तब अगर बात करूं मैं इसके ब्रेक्स के बारे में, तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं दोनों ही व्हील्स में। तब अगर बात करूं मैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में, इसमें आपको 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है। एंड अगर बात करूं मैं इसके चासी के बारे में, तो यहां पे आपको हाफ ड्यूप्लेक्स क्रेडल फ्रेम देखने को मिलता है। इस बाइक की टॉप स्पीड 153 किलोमीटर पर आ रहा है। अगर बात करूं मैं होंडा एचनेस CB350 के बारे में, तो ये बाइक हालांकि अभी लॉन्च हो गई है बट इट्स नॉट अवेलेबल ऑन द शोरूम्स, बट स्टिल मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये आने वाले टाइम पे अपने कॉम्पिटिटर्स को एक अच्छा कॉम्पिटिशन देगी। जैसे कि हम सबको पता है होंडा एक बहुत अच्छा ब्रांड है एंड होंडा की बाइक्स आर ट्रूली वेरी गुड। सो जहां तक मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन होगा अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर के। तो अब मैं आपसे बजाज डोमिनार 400 के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। अगर बात करूं इसके इंजन की, तो यहां पे आपको 373 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 40 पीएस की पावर जनरेट करता है 8800 आरपीएम पे एंड 35 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है 6500 आरपीएम पे। अब अगर मैं बात करूं यहां पे इसके ब्रेक्स के बारे में, इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं दोनों ही व्हील्स में। अब अगर मैं आपसे बात करूं इसके ट्रांसमिशन के बारे में, तो इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। अगर बात करूं मैं यहां पे आपसे इसकी चासी के बारे में, यहां पे आपको बीम टाइप पैरामीटर फ्रेम मिलती है। इस बाइक की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आर है। अब अगर मैं आपसे कुछ बात करूं बजाज डोमिनार के बारे में, जैसे कि मैं अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन यहां पे आपसे शेयर करना चाहूंगा, तो ये बाइक पावर क्रूजर बाइक है। जैसे कि हमने देखा कि ये सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है एंड ये बाइक स्पोर्टी लुक भी देती है, तो ये यूथ को काफी अट्रैक्ट करेगी। ये बाइक ट्विन एग्जॉस्ट के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल लगती है। अब मैं आपसे जावा ट्रैक के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। इसमें आपको 334 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 30.64 पीएस की पावर जनरेट करता है 6500 आरपीएम पे एंड 32.74 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है 4200 आरपीएम पे। अब मैं आपसे इसके ब्रेक्स के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं दोनों ही व्हील्स में। अगर बात करूं मैं इसके ट्रांसमिशन की, इसमें आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है।
अब अगर बात करूं मैं इसकी चासी की, तो इसमें आपको डबल क्रैडल ट्यूब्यूलर फ्रेम मिलता है। इस बाइक की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आर है। अगर बात करूं मैं जावा पराग के बारे में, जैसे कि मैं आपसे अपनी कुछ पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा, ये बाइक दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये हमें विंटेज लुक के साथ एक कूल लुक भी ऑफर करती है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स नहीं करते हैं, एंड दिस बाइक डिजर्व टू बी ऑन द फर्स्ट पोजिशन दैट इट इज ऑन। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।